आप हमारे पास मत आया करो, नहीं तो हमारा ये गीत ही संगीत ही बिगड़ जाएगा, हमारी प्रसिद्धि ही समाप्त हो जाएगी। और बल्कि यूँ कहना चाहिए, हमारा जो इस प्रकार के राग अनुराग रुचि है वह रुचि भक्ति करने के लिए अकेले भी की जाती है और तबला इत्यादि ज्ञान गीत के साथ भी की जा सकती है। तीसरा एक व्यक्ति और कहता है, अब आप दोनों के साथ हमारा भी एक निकटता आ जाए और मैं भी आपके इसके साथ जुड़ करके आनंद का और अनुभव अवध कर सकूँ और मेरी भी रुचि दिन दुगुनी और सुना चौगुनी बढ़ती रहे। आप कहो तो अब क्या काम कर रहे हो? काम कुछ नहीं है, काम तो जल्दी तो है ही, जो समय मिलता है उस समय मैं नृत्य करता हूँ। नृत्य का क्या है यहाँ पर? हम तो दोनों बैठे कि तुम नृत्य बैठ करके कैसे करेंगे? नहीं, हमारा जो नृत्य है वह ऐसा ही चलता है। आपको इससे और आनंद आएगा, अच्छी बात है। किंतु यदि वह नाचने वाला नृत्यकार उसके आलाप के साथ गीतकार के और तबला वालों के साथ एक प्रकार से जुड़ान नहीं हुआ, अरे भैया आपने तो हमारे संगीत को ही बिगाड़। नहीं साहब, हमने नहीं बिगाड़ा, किंतु गीतकार ऊपर उठाने के स्थान पर बीच में टूट रहा है, तो मैं क्या करूं? मेरे नूपुर तो मेरे नूपुर तो वंशमूल लोग कहने के लिए तैयार है, हमारे लोग देख करके कह रहे हैं, इसलिए इसमें कमी आपकी है। लेकिन इसको यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन नृत्यकार के ऊपर तो कोई आरोप नहीं आ सकता। गीतकार भी अकेला, तबलाकार भी अकेला अपने कार्य चला सकते हैं, नृत्यकार भी कम नहीं। नृत्यकार के लिए भी आप जब कभी भी तांडव नृत्य सौधर्म करता है उस समय देखो, गीतकार भी कोई नहीं और तबला वाला तब भी नहीं रब भी नहीं, क्योंकि वह तांडव नृत्य ही एक ऐसा होता है। तो तांडव नृत्य के समय पर न तबला ढंग का और न ही गायक का गीत और न ही अकेले नृत्य करने वाली बुद्धि का पन नृत्यकार तो नृत्यकार है। नृत्यकार यदि जगता है और अपने बजाने लगता है तो उस समय उसको भी संभलना पड़ता है, तबला डग्गा वालों को भी और गीतकार को भी अपने स्वर ऊपर उठाने पड़ते हैं। उस समय मान लो यदि नृत्यकार और थोड़ा सा ऊपर उठा लेता है तो भैया अभी क्यों ऐसे बता रहे हो, हमें भी नाचना पड़ेगा,
इसलिए लोग कहते हैं तुम तीनों ठीक हो, लेकिन आप तीनों का तालमेल ठीक नहीं है, तालमेल ठीक नहीं है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में कभी सम्यक ज्ञान कहता है, कभी सम्यक चारित्र कहता है, और कभी सम्यक दर्शन कहता है। हम तीनों का तालमेल यदि ठीक है, सब कुछ ठीक है। संक्षेप से आपको तबला ढंग का ढंगा ही बोलते हैं, और नूपुर का झुमकार, और गीतकार का गीत, ये तीनों जैसे आपके लिए लहर के लिए कारण बन जाते हैं, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, थोड़ा और बड़ा से कोई मतलब नहीं, किंतु उसकी लय अपने आप में बहुत ही दूर तक ले जाते हैं। और वह जब तक बजता जाता रहता है, उन घंटों का जैसे झनकार रहते हैं, उसी प्रकार इन तीनों का भी रहता है। और तीनों का जो स्वामी मोक्ष मार्गी, एक प्रकार से सुख और शांति, और अशांति के सारे के सारे वातावरणों को समाप्त करने के कारण हो जाते हैं। गर्मी का समय है, देशों से आप घर की ओर नहीं देखो तो हमारे सामने रखा है। आप इतने लीन हो गए जैसे मोक्ष मार्गी बन गए। कोई बात नहीं, मोक्ष मार्ग की बात रुचि के साथ आपने सुनी है, इसलिए धन्यवाद तो कहिए।